आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप हमारे नए नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेज कर, हमें मेल कर और हमें इनबॉक्स में ये कहा कि लीवर को कैसे सही रखा जाए, उसकी गंदगी को कैसे साफ करें। तो ये वीडियो हम आपको विशेष डिमांड पर बना रहे हैं। दोस्तों, लीवर हर इंसान के लिए शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। अगर व्यक्ति का लीवर सही है तो समझो कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है। लेकिन कई लोगों को इसके कार्यों और मानव के शरीर में इसके योगदान के बारे में पता नहीं होता। ये रक्त को शुद्ध करने के साथ ही भोजन को पचाने में मदद करता है। इससे बने वाइल जूस से खाना पचाने में मदद मिलती है। लेकिन हमारी बुरी आदतों जैसे तला भुना खाना, एक्सरसाइज ना करना, ज़रूरत से ज़्यादा धूम्रपान करना, शराब पीना, ये कुछ बुरी लत ऐसी हैं जो लीवर पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव डालती हैं। इसके अधिक दबाव पड़ने पर लीवर सही तरीके से विषाक्त पदार्थों को बाहर नहीं निकाल पाता है। लेकिन कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो स्वाभाविक रूप से आपके लीवर को साफ कर सकते हैं। प्राकृतिक क्षमता उत्तेजक इन खाद्य पदार्थों के सेवन से शरीर से विषाक्त पदार्थों को साफ किया जा सकता है। जब इस अंग को किसी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो आपके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। डॉक्टर्स मानते हैं, वैद्य भी मानते हैं कि लीवर की खराबी होने पर उम्र भी प्रभावित होती है। आज हम आपको लीवर को सुरक्षित रखने के आसान से उपाय बता रहे हैं। शुरुआत करते हैं सुबह के नाश्ते से। जी हाँ, प्रतिदिन सुबह नाश्ते से पहले एक चम्मच जैतून के तेल में एक छोटा चम्मच नींबू का रस मिलाकर पिएं। ये आपके लीवर के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखेगा। लेकिन अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं तो आपको सिगरेट, शराब, तंबाकू, ऐसी खान पान की कोई भी चीज़ जो तली भुनी है उनसे दूर रहना होगा। अपने डाइट में हेल्दी खान पान को शामिल करें और प्रतिदिन एक्सरसाइज जरूर करें। दूसरा, देखिए, लीवर को मजबूत बनाने में लहसुन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लहसुन की एक छोटी सी सफ़ेद कली में लीवर एंजाइम को सक्रिय करने की क्षमता होती है, जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है। साथ ही लहसुन में उच्च मात्रा में मौजूद एलिसिन और सेलेनियम दोनों ही तत्व लीवर की सफाई करने में मदद करते हैं। तीसरा, देखिए, विटामिन ए युक्त पदार्थों की कमी से एक तरफ जहाँ आप बीमार पड़ सकते हैं, वहीं आप ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन करते हैं तो ये आपके लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए संतुलित मात्रा में विटामिन ए से बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करें। अगला, देखिए, साबुत अनाज में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अच्छी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फैट को बैलेंस और लीवर के फंक्शन को सही रखता है। ब्राउन राइस, मल्टीग्रेन और सोया आटा लीवर के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। इसलिए आप जो है साबुत अनाजों का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। बात करते हैं पांचवे तरीके की। जी हाँ, कार्बनिक तेल जैसे ऑलिव ऑयल का सेवन अगर सही मात्रा में किया जाए तो ये लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आपके लीवर को एकदम सही लिपिड प्रदान करता है, जिससे शरीर हानिकारक विषाक्त पदार्थों को सोख लेता है और लीवर आसानी से कार्य करता है। लीवर को मजबूत रखने के लिए रोज़ एक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर सेब खाएं। हम रोज़मर्रा में जो कुछ भी जहरीले पदार्थ खाते हैं उसे लीवर शरीर से साफ करता है, इसलिए लीवर का मजबूत होना और साफ होना बहुत ज़रूरी है। सेब में मौजूद पेक्टिन नामक तत्व शरीर को शुद्ध और पाचन तंत्र से विषाक्त पदार्थों को रिलीज करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये एक छोटा सा वीडियो है, लेकिन बहुत ही अच्छा वीडियो है। आप इस पर अमल कीजिए और अपने लीवर को बनाइए चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त, जिससे आप जीवन भर स्वस्थ रह सकें और इस जो नायाब प्रकृति है, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि है, उसका आनंद ले सकें। यह था आज का आयुर्वेद समाधान। आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है, जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।